वेद कथा जय स्वर वेद कथा, श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की 98वीं पुण्यतिथि समारोह का आज द्वितीय दिवस है। कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब ने विचार विमर्श किया था कि किस प्रकार से हम इस प्रकृति के मंडल से, इस प्रकृति की सीमा से अपनी चेतना को ऊपर ले जाते हैं। विहंगम योग की साधना का क्या प्रभाव है? मन मन और प्राण की भूमि क्या है और कैसे हमारी चेतना का वह उच्च विकास होता है, वह आध्यात्मिक विकास होता है, किस प्रकार संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक साधक, एक योगी अपनी चेतना को एक दिव्य मंडल में स्थित कर देता है। और किस प्रकार से सारे क्षर शब्द छूट जाते हैं, पिंड और ब्रह्मांड के जो भी शब्द हैं इन शब्दों से वह परे हो जाता है। निरंजन ओम सोहम शक्ति और अरम, इनसे इनसे वह ऊपर हो जाता है। किस प्रकार उसकी चेतना का इतना आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तब ये सारे प्राकृतिक शब्द छूट जाते हैं। ओम ओम तो ये द्वितीय भूमि की साधना का मामला है। विहंगम योग में ये द्वितीय भूमि का क्षेत्र है। साधक किस प्रकार से ये जो क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतम शब्द हैं, निरंजन ओम सोहम शक्ति और अरम, इनसे अपनी चेतना को ऊपर ले जाता है। पिंड और ब्रह्मांड के सारे शब्द छूट जाते हैं और योगी स्वयं स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर, आत्मा का प्रत्यक्ष कर उस परमानंद का आनंद प्राप्त करता है। आत्मा की चेतन किरण सुरति है। किस प्रकार वो अनुभव प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है,
जब जब हम अपने मन और प्राण को उसकी भूमि में लीन कर देते हैं, तब आत्मा की चेतन किरण जो सुरती है वह अनुभव के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करती है। मकर तार, वह तार जो जीव और ब्रह्म से संबंधित एक सूक्ष्म तार है, उस प्रकाशमय द्वार की प्राप्ति कैसे साधक करता है? उस प्रकाशमय द्वार की प्राप्ति साधक कर लेता है, और जिसको वह प्रकाशमय द्वार नहीं मिलता वह तो अंधेरे में ही अपनी साधना का अभ्यास करता रह जाता है। तो वह चेतन प्रकाशमय द्वार क्या है? जीव ब्रह्म से संबंधित वह जो सूक्ष्म तार है, कैसे उसमें प्रवेश करता है साधक? मन और सुरति ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। बहुधा यह विचार अनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि मन और सुरति एक तत्व है, लेकिन विहंगम योग कहता है, विहंगम योग का सिद्धांत कहता है कि मन अलग वस्तु है और जो सुरति है, जो आत्मा की चेतन किरण है, वह भिन्न वस्तु है। मने सुरति ले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटक रहे संसार। मन जो है आत्मा की शक्ति जो सुरति है उसको लेकर बाहर बाहर संसार में ले जा रहा है, और जीव अपने स्वरूप को ही भूल गया है। इस शरीर में आत्मा का सबसे पहले जो संबंध है वह मन के साथ है, क्योंकि वह आगंतुक चेतन है। आत्मा की शक्ति को वही प्राप्त करता है। मन का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों के विषय हैं, तो इस प्रकार से ये वृत्तियां बहिर्मुखी हो रही हैं। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है, तब हमें इस संसार का बोध और ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो साधक मन और प्राण को उसकी भूमि में लीन कर अंतर जगत में प्रवेश करता है। सुरति आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रयत्न करती है। ये विहंगम योग की साधना का यह प्रभाव है।
बिना मन और प्राण के स्थिरता के साधना में अनुभव का कोई प्रश्न नहीं उठता। मन और प्राण का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है, महती आवश्यकता है, अत्यंत अनिवार्यता है। मन और प्राण के स्थिर होने पर ही साधक आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त करता है। इसलिए विहंगम योग की साधना का प्रारंभ इसी मन के नियंत्रण और संयम से होता है। हम मन और प्राण को उसकी भूमि में साधक लीन कर देता है। और आत्मा के द्वारा उस परमानंद का अनुभव प्राप्त होता है। लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म्य को आत्मा प्राप्त करती है। दो चेतन पदार्थों का जो संयोग है वह किस प्रकार से है? दो चेतन पदार्थों का संयोग उनके कर्म गुण से है। आत्मा ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त करती पर वह ब्रह्म नहीं हो जाती। ये दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, दोनों चेतन सत्ताएं हैं। इसलिए चेतन आत्मा उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस आनंद को प्राप्त करती है अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं, क्योंकि ये चेतन सत्ता है, ये नित्य सत्ता है, ये सनातन सत्ता है, ये चिरंतन सत्ता है। इसका अस्तित्व सदैव विद्यमान रहता है। तो चेतन आत्मा के द्वारा ही चेतन परमात्मा की भक्ति होती है। ब्रह्म विद्या के भेदों को स्वर वेद में स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म विद्या का यह महाग्रंथ है। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो, इसीलिए यह महानतम सदग्रंथ स्वर वेद रचित हुआ है। आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर तो आज इस द्वितीय दिवस की यात्रा का प्रारंभ हम स्वर वेद इन दिव्य वाणियों के साथ कर रहे हैं। सद्गुरु किन किन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं, साधना के क्रम में क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, क्या क्रम है, मैं समझता हूं इस पुनीत अवसर पर, इस पुण्य अवसर पर, इस पावन अवसर पर इसके संबंध में अपने विचार और भावों को हमें दृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सर्वत्र अन्य स्थानों पर ये सब भाव व्यक्त नहीं किए जाते, क्योंकि वह सामान्य जन के लिए सहज बोधगम्य नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहां इस पावन अवसर पर उन सिद्धांतों को, उस साधनात्मक अनुभूतियों को जानने समझने का यह एक सिद्धांत बोध का प्रयास अवश्य होना चाहिए। तो हम चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं, फिर आगे की यात्रा होगी।
दुदशने मैं जगा तुम सने सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532-256-7204, 0532-209-0448।